तो सीकर्स आप इस समय मेरी सबसे फेवरेट जगह उत्तराखंड में, और आपकी जो नेक्स्ट हॉन्टेड लोकेशन है वो है मसूरी में, द ब्यूटिफुल मसूरी, विच इज ऑल्सो कॉल्ड द क्वीन ऑफ द हिल्स। ये कहानी इस राजा की है जो कैलकटा से आए थे मसूरी घूमने, और उन्हें एक जगह बहुत अच्छी लगी, तो उन्होंने यहाँ पे एक महल बनाया, उसका नाम रखा राधा भवन। कहा जाता है उनको ये जगह इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने ये जगह कभी छोड़ी ही नहीं, अपनी अंतिम सांसों तक के ये राधा भवन में, इस महल में रहे। काफी वक्त के बाद एक यहाँ पे सुल्तान आए अफगानिस्तान से, और जब मसूरी घूमने आए उन्हें ये जगह दिखी, अब उनको भी पसंद आ गया। अब वो पठान थे, उन्होंने ये महल ले लिया और यहाँ रहने लग गए, और इनको भी अटैचमेंट होगी इस जगह से। कुछ वक्त के बाद जब सुल्तान इस महल में रहने लगे, ब्रिटिशर्स घूमते घूमते मसूरी तक पहुंच गए, और उन्हें भी दिख गया ये राधा भवन, ये महल, अब उनको भी पसंद आ गया। सुल्तान को बोला ये महल हमको दे दो। सुल्तान भी कम नहीं, सुल्तान ने कहा ये जगह तो मैं नहीं दूंगा। अब उनकी अटैचमेंट हो गई थी, तो वो जालसाजी करके भला फुसला के फंसा के उन्होंने सुल्तान से ये महल ले लिया और उनको कैद कर दिया। उनकी एक ही विश थी कि उनको महल में, राधा भवन में दफनाया जाए। कुछ वक्त के बाद ब्रिटिशर्स के साथ भी अनहोनी होने लग गई, अजीब अजीब सी चीज़ें होने लग गई, एक्सीडेंट होने लग गए, परेशान होने लग गए, और ये सिलसिला चलता रहा। यहाँ की जो एंटिटीज हैं वो लोगों को अट्रैक्ट करती हैं, भला फुसला के वहाँ अटका देती हैं और जाने नहीं देती, एक तरह का एक माया जाल है उसमें फंसा लेती है, और फिर उन पर हावी हो जाती है, फिर उनसे ऐसी ऐसी चीज़ें कराती है जिनका कंट्रोल नहीं होता, उनका उन पर काबू नहीं होता। और जो सुल्तान की एंटिटी है वो यहाँ पे किसी को टिकने नहीं देती। जब अंदर गए हम लोग, जो एनर्जी मुझे फील हुई वॉज अ वेरी कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी, मतलब कि बहुत कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, लड़ाई मार धाड़, बहुत केओस, एंड वो कॉन्फ्लिक्ट एंड केओस की एनर्जी के थ्रू मुझे यू नो लिटरली जैसे चीरती हुई आवाज़ आई एक मेल एंटिटी के चिल्लाने की। उसके बाद आई सेंस्ड अ प्रेजेंस ऑफ मैनी फीमेल एंटिटीज, मैनी इसलिए बोल रही हूँ कि वो एक दो दस नहीं, बहुत सारी फीमेल एंटिटीज थी, एंड ये मतलब कि ऐसा फील हो रहा था कि इट वॉज लाइक अ वन वे ट्रैफिक फॉर देम, कि वो एक बार वहाँ पहुँच गई वो वापस नहीं निकल पाती थी वहाँ से। यहाँ पे ना आई एम सेंसिंग मल्टीपल 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 फीमेल्स, नॉट जस्ट दो दस नहीं, बहुत सारे, इट्स लाइक जैसे पूरा भरावा लग रहा है। They're very good in tricking. Let's call them tricksters. And yeah, that's what they are going to do. So, जो कोई भी जाएगा वहाँ पे, उनके साथ भी वही होने वाला है। Yeah. राधा भवन में मिलते हैं। Yes, sir. ये tricksters को trick होने मत दीजिएगा। Yes, sir. किसी से कोई उलझन हो तो लड़ने से पहले थोड़ा समझ लीजिएगा कि ये आपकी अपनी इमोशन है या आप ट्रिक हो रहे हैं। हैव अ गुड नाइट गाइस। गुड नाइट। गुड नाइट एवरीवन। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सीकर्स। गुड मॉर्निंग। राधा भवन के स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन के बारे में सुनने के बाद आई नो यू ऑल वांट टू बी देयर। आज मैं आपका काम और इजी कर देता हूं। टीम्स फॉर टुनाइट्स इन्वेस्टिगेशन आर फर्स्ट टीम Sasa and Sahil. Oh! Second team, Parth, Bhuti and Mian. Third team, Aryan, Angel and Swati. You all need to decide the triggers and meet me at Radha Bhavan. Hello sir. Kaisi lagi meri team saab sabko? Too good. Badhiya. Nice. Maza aa gaya sunke. Sahil, pehli baar main aapko na buja buja dikh raha itna. Kya ho gaya yaar? Kuch nahi sir. Bas team hamesha jo hoti hai apne man se hoti hai. और इस बार वो है जिसमें मन बिल्कुल नहीं है। ट्रिगर कौन? सर हमारी साइड से शी इज अ ट्रिगर। कोई कारण? सर वी वर जस्ट हैविंग अ डिस्कशन, आई सेड दैट आई वांटेड टू बी द ट्रिगर, बोथ ऑफ देम अग्रीड, सो वी डिसाइडेड। आप में कौन बनेगा आज ट्रिगर? मी एंड। हम दोनों को ही ट्रिगर बनना है। जो तो पॉसिबल नहीं है। एग्जैक्टली।
सर मैं रास्ते में सोचता हुआ आ रहा था कि मेरे को यहाँ आके भी लड़ाई नहीं करनी है, माफ कर चुके हैं, तो अगर यही होना है कि दोनों में से किसी एक को बनना ही बनना है और उसको जितनी छोड़नी है तो ठीक है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बन जाएगा। हाँ मेरे को लड़ाई नहीं करनी। बट इतनी आसानी से नहीं सर, सुबह बहुत अगली हो गया ना। सर अब कैसा है ना, इफ ही कैन सो रिस्पेक्टफुली मेरी जिद के लिए बैक डाउन, देन आई थिंक आई एम आल्सो एट अ प्लेस वेयर आई कैन रिस्पेक्ट ही वांट्स टू बी द ट्रिगर। सो साहिल सर मैं बनना चाहता हूँ ट्रिगर। यू विल बी द ट्रिगर। थैंक यू सर। इसको ऑब्वियस बोलते हैं। ऑब्वियस इज बेसिकली एक ऐसा गैजेट है जिसके अंदर बहुत सारे वर्ड्स हैं जो कि इसके अंदर प्री फिटेड है। व्हाट द एंटिटीज डू इज दे यूज इट टू कम्युनिकेट। तो अगर आपने कुछ क्वेश्चन पूछा ड्यूरिंग योर इन्वेस्टिगेशन, देयर इज अ चांस कि आपको इसमें कुछ वर्ड पॉप्स होंगे। बट वी आर यूजिंग वन मोर गैजेट दिस टाइम टू, एंड पूजा विल एक्सप्लेन अबाउट दैट। सो ये भी एक EMF सेंसर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड सेंस करेगा, एंड इसको बोलते हैं डेड बेल। सो जब आप कोई क्वेश्चंस पूछते हो, यू कैन टेल टू गिव देयर आंसर्स ऑन दिस, तो इसमें जैसे प्रॉपर बेल बजती है वैसी ही आवाज आएगी। Entities will do that. No, no way. No way. They will do that. मेरे को डर लग रहा है आज पहली बार। So, यार, I've always been, you know, पहली बार तो हम तीन भाई हैं, दो नहीं हैं, आयुष्मान, अमित, अनपार। So इसलिए भाई होने के नाते मुझे लगा कि यार जो चल रहा है इस शो पर, वो अगर ये मुझे विटनेस करा सकते हैं, I'll be really, really, you know, up and kicking about it. And we all are mutual admirers of each other's craft. तो अमित भाई को तो मैं रेगुलर बताता रहता हूँ फोन पे, लेकिन मेरी बात इन दोनों से कभी नहीं हुई है। सर एंड पूजा, बिग फैन यार। थैंक यू सो मच। वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग्स यू हैव इज यू हैव अ वेरी ब्यूटीफुल ओपन हार्ट। थैंक यू सो मच। उसी ओपन हार्ट और ओपन माइंड से आप जाइए, पर आपको मैं अकेले नहीं भेजूंगा। थैंक यू। है ना, सरबा जी, पूजा, आप प्लीज अपार शक्ति को लेके जाएं। यप। एंड विद देम यू आर इन सेफ हैंड्स। पूजा मैम। यस सरबा सर। यस। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। ये जो आपको अभी फील हुआ, एंड इट्स नॉट अ रेगुलर फॉर मी। करेक्ट। वी आर गोइंग टू यूज दिस डेड बेल। ओके। जो भी आप हो, हम आपको कुछ भी हार्म पहुंचाने नहीं आए। अगर पूजा जो सेंस कर रही है मेल एंटिटी, अगर आप यहाँ पे हो तो क्या हमें दो बार वहां पे रिप्लाई आ सकता है? टिंग टिंग दो बार करनी है। थैंक यू। थैंक यू। अनदर नॉइज। यू हर्ड दैट? अनदर नॉइज। दैट वाज, दिस वाज अ मेल ग्रंट। प्रॉपर ग्रंट। जो आवाज हमें सुनाई दी, क्या ये आपकी थी? अगर हाँ तो दो बार। इट वॉज अ ट्रक। अब मुझे कुछ नहीं सुनाई दे, आपकी बात मैं लगा के रखूं। जी यस yes, यस yes. क्या ये सच है कि पूजा ने जो भी सेंस किया था यहाँ, वो सब करेक्ट है? किसी ने बीच में हेलो बोला। फीमेल वॉइस नहीं, लेकिन वो फीमेल वॉइस नहीं थी जिसने पहले सच बोला था। किसी ने विष्णु बोला है, विष्णु। रैप करते हैं। आई थिंक इट शुडंट बी ओवर आई मीन फाइन। या या लेट्स रैप इट अप। अब आपके सब आ जाए। डन। ओके। Hi Vishnu. Oh God. How is it, bro? I saw it. It's. Hey, मामला कुछ तो है. Very different from what I expected. This was something very real, very. I didn't preempt this at all.
वहाँ कोई था फॉर श्योर, ये इस बात से मैं डिनाई नहीं करूँगा। जब विष्णु आपने सुना, हमें पता चला है अभी कि आपके साथ जो टीम आई है, वन ऑफ योर टीम मेंबर्स एक्चुअली हैव फोटो ऑफ विष्णु। आप कुछ बताना चाहेंगे? आपको पता है आपकी टीम के बारे में? नहीं, मुझे ये नहीं पता है कि उनके पास विष्णु भगवान की तस्वीर है। अगर होगी भी तो या ऋचा के पास होगी या महेश के पास होगी। ऋचा के पास अभी ये मिला है। वाओ वाओ, थैंक यू सो मच। Thank you, sir. Love you. See you around. All right, Pooja. All right, sir. Thank you so much. See you around. Bye-bye. See you. Bye-bye. Pleasure meeting you all.